तो अभी तक हम मिले व्यक्ति से जिसका नाम है हुक और इनकी वजह से हमें एक फॉर्मूला मिला है PL/A। इस फॉर्मूले की मदद से हम निकाल सकते हैं इलोनेशन, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले की एक कमी, यानी कि इस फॉर्मूले का यूज हम तभी कर सकते हैं जब आपकी बार प्रिज्मेटिक हो और उस पर कोई एक्सटर्नल लोड लगे, तब तो इस फॉर्मूले का यूज हम कर सकते हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला Δ=PL/A, इस फॉर्मूला का यूज हम तब नहीं कर सकते जब आपके पास प्रिज्मेटिक हो और वे खुद के वेट के कारण, यानी खुद के सेल्फ वेट के कारण इलोंगेट हो, यानी इस पर कोई एक्सटर्नल लोड नहीं आए, तो हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। आपके पास कॉनिकल हो या ट्रेपड हो तब भी हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हुक ने अपना दिमाग लगाया, इसी फॉर्मूले का यूज करके इन सभी अलग अलग बारों के लिए भी इलोंगेशन के फॉर्मूले जनरेट करते हैं। तो आइए इन सबको अलग अलग पढ़ते हैं। इन सभी बारों का इलोंगेशन का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। तो पहली एप्लीकेशन आती है हमारी बार इन सीरीज। तो बार इन सीरीज में क्या होता है कि एक एंड तो हमारे कनेक्ट होता है फिक्स एंड से और इसके आगे हम सीरीज में बार कनेक्टेड रहती है और इस पर एक्सटर्नल लोड लगता है पी और इन सभी बार का लेंथ एरिया और लेंथ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको दे रखी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, PL/A जब हमारी बार प्रिज्मेटिक हो और इस पर कोई एक्सटर्नल लोड अप्लाई हो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो बार इन सीरीज में ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो इसमें तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं इसका इलोंगेशन निकालें। तो आइए देखते हैं कैसे। तो हमारी बार कनेक्टेड है सीरीज में तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टोटल इलोंगेशन किसकी मदद से, इस फॉर्मूले की मदद से। तो हमें गिवन क्या क्या है, हमें हर बार का लेंथ एरिया और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है ये पी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यूज करूँगा सेक्शन मेथड का। सेक्शन मेथड का यूज करके प्रत्येक बार का मैं लोड फाइंड करूँगा। तो कैसे फाइंड करूंगा, सबसे पहले मैं लूंगा बार वन और एक सेक्शन, ठीक है। फिर मैं आगे देखूंगा कि कितना लोड लग रहा है, तो मुझे सिर्फ पी दिख रहा है, हमें पीछे लोड से कोई लेना देना नहीं है, हम सेक्शन लेंगे उसी के आगे देखेंगे, तो सिर्फ पी दिख रहा है तो बार वन पर पी लोड आ रहा है। उसी तरीके से सेकंड बार पर हम एक सेक्शन लेंगे और उसके आगे देखेंगे तो मुझे दिख रहा है बार टू पर एक, तो ये पी और ये फाइव पी दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एड हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल लोड आ जाएगा हमारा सिक्स पी। इसी तरह से तरीके से बार थ्री पर एक और सेक्शन लूंगा और इसके आगे देखूंगा तो 5p और p ये तो है सेम डायरेक्शन में, तो ये तो हो जाएंगे 8 और माइनस 2p क्यों होगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो टोटल लोड हमारे पास आएगा 4p। तो हमने लोड कैलकुलेट कर लिया, लेंथ एरिया और ई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें गिवन। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके सारी वैल्यू पुट करेंगे तो Δ(L1, P1, L1, A1, E1) ऐसे Δ(L2, Δ L3) P1, P2 और P3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है और ये सारे वैल्यू हमारे गिवन है, तो आप पुट करो और हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। हमें फाइंड क्या करना है, टोटल इलोंगेशन। तो टोटल इलोंगेशन के लिए हम क्या करेंगे, Δ(L1, Δ L2 और Δ L3) इन तीनों को ऐड करके हम टोटल इलोंगेशन निकाल देंगे। अभी तक हमने इस बार का क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, एक तो हमने लोड कैलकुलेट कर लिया है और एक हमने इसका प्रत्येक बार का इलोंगेशन हमने फाइंड कर लिया। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल इलोंगेशन। तो टोटल इलोंगेशन का फॉर्मूला होता है इन तीनों को जितना भी इलोंगेशन हमने निकाला है उन सबको ऐड कर, तो ऐड करने के बाद जितनी भी वैल्यू थी हमारे इन सबको पुट कर दो और ये आ गया हमारा टोटल इलोंगेशन, ठीक है। तो इसी में ही टॉपिक आता है एक एक्सियल लोड डायग्राम। तो उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो उसमें हमें चाहिए प्रत्येक बार का लोड हमें पता होना चाहिए इसके लिए। तो हमने लोड तो कैलकुलेट करके रखा है, तो P1 की वैल्यू आई थी हमारे पास P2 की वैल्यू आई थी हमारे पास 6P और P3 की वैल्यू आई थी हमारे पास 4P, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करता हूँ मैं बार फर्स्ट की, तो बार फर्स्ट में हमें सिर्फ पी लोड दिख रहा है, तो ये पी तक ही ऊपर की ओर जाएगी। उसके बाद बार वन में और कोई लोड नहीं लग रहा है तो ये पी तक ऐसे ही मूव करती रहेगी। हम जैसे ही हम बार सेकंड में पहुँचते हैं तो हमारे पास लोड बढ़ जाता है 6P हो जाता है, तो ये 6P तक ऊपर जाएगा। फिर बार सेकंड में और कोई लोड है नहीं तो ऐसे ही कॉन्स्टेंट चलता रहेगा और बार थर्ड में जैसे ही आते हैं तो हमें -2P देखने को मिलता है, यानी लोड हमारा घटा है तो ये नीचे की ओर जाएगी। फिर वापस कोई लोड नहीं है तो ये आगे कॉन्स्टेंट चलता है, तो यही हमारा होता है एक्सियल लोड डायग्राम। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरी एप्लीकेशन इलोंगेशन ऑफ ए प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट, यानी प्रिज्मेटिक बार में उसके खुद के वेट के कारण कितनी वो इलोंगेट होती है वो हमें पता करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है PL/A। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि आपकी एक तो बार होनी चाहिए प्रिज्मेटिक और उस पर कोई एक्सटर्नल लोड लगे तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारी बार तो प्रिज्मेटिक है लेकिन इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, ये खुद के वेट के कारण ही इलोंगेट होती है, वो हमें फाइंड करना है।
ये फॉर्मूला हमारे इस बार के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस बार के फॉर्मूले को फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे, तो बात करते हैं। सबसे पहले तो हम एक बार एक सेक्शन, छोटा सेक्शन कंसिडर करेंगे जिसकी लेंथ होगी डी एक्स, इसकी बॉटम से इसकी लेंथ होगी एक्स और इसकी टोटल लेंथ होगी एल। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को देखिए, इसमें पी एल अपॉन ए, एरिया ऑफ इस वर्टिकल बार का सेम होता है, तो ए ई सेम मटेरियल है तो ये भी सेम है, एल हमको दे रखा है, हमें फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो आप इस छोटे से सेक्शन के नीचे देखेंगे इतना वेट आएगा इसी के कारण, तो ये इनोगेट हो रही है, तो ये वेट ही हमारे लोड की तरह एक्ट कर रहा है। तो जैसे ही हमने वेट कैलकुलेट कर लिया तो ऑटोमेटिकली हमारा लोड भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो वेट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि लैम्डा इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, यहाँ से वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा वेट। तो वॉल्यूम को मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर दूँ तो इसको लिख सकता हूँ एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ हमारी इसकी कितनी दे रखी है, एक्स एक्स सेक्शन के लॉन्ग, ये छोटा सा एक्स दे रखा है, तो ये पुट कर दूंगा इधर। तो जैसे ही हमने वेट कैलकुलेट कर लिया एक्स एक्स सेक्शन के अलोंग, तो ये हमने पहले लिखा है कि वेट हमारे किसके इक्वल होगा, पी के। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इस सेक्शन के अलोंग हम इलोंगेशन फाइंड करने के लिए। तो ठीक है, यहाँ से पी की वैल्यू पुट करेंगे और ये इलोंगेशन यहाँ तक, यानी इस इतने से सेक्शन के लिए, लेकिन हमें फाइंड कितना करना है इस पूरे के लिए, तो मैं लिमिट डाल दूँ जीरो से अल्फ, तो इस पूरे बार का हम इलोंगेशन निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अब ए से ए तो कैंसिल आउट, लैम्डा और ई कॉन्स्टेंट है तो ये आ जाएंगे बार के। ठीक है, अब जैसे ही आप एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, और इसमें लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी एल स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा लैम्डा एल स्क्वायर बाई टू ई। तो जब भी आपको प्रिज्मेटिक बार देखना हो सेल्फ वेट के कारण, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे लैम्डा एल स्क्वायर बाई टू ई, और प्रिज्मेटिक बार हो और उसमें एक्सटर्नल लोड दे रखा हो तो फॉर्मूला यूज करेंगे पी एल अपॉन ए। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इन कॉनिकल बार, यानी कॉनिकल बार अपने सेल्फ वेट के कारण कितना इलोंगेट हो रही है वो हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला वापस पी एल अपॉन ए की हेल्प से हम इसका भी फॉर्मूला फाइंड करेंगे। इसका भी प्रोसीजर हमारे प्रिज्मेटिक बार की तरह सेम है, एक सेक्शन कंसिडर करेंगे जिसकी लेंथ डी एक्स होगी, बॉटम से इसकी हाइट एक्स, टोटल लेंथ एल। ठीक है, वापस वही वेट को पे पी के इक्वल रखेंगे, वही यूनिट वेट का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ तक तो सेम होगा लेकिन इसकी वॉल्यूम थोड़ी डिफरेंट होगी, यानी इसको हम 3D में देखें तो ये किस तरह से, और इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस वी को हम इस वी में पुट करेंगे। ठीक है, तो हमने वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो इसमें वी में वो पुट कर दूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये पाई आर स्क्वायर एच आपको पता है सर्कल का एरिया होता है, तो इसको तो मैं ए लिख दूँ, और एच ये कौन सा होगा, हम इस एक्स एक्स सेक्शन के लोग तो फाइंड कर रहे हैं, तो इसके लिए एच यहाँ से एक्स ही तो दिख रही है, तो ये भी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ इसमें। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा खेल एक्स एक्स सेक्शन के लोग ही तो कर रहे हैं, अब इसमें भी हम ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला तो सिर्फ इतने से सेक्शन के लिए हम इलोंगेशन फाइंड कर रहे हैं, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है इस टोटल का, तो मैं वापस जीरो से एल इसकी लिमिट डाल दूँ, तो ये हमारे जो भी फॉर्मूला आएगा वो हमें ये टोटल इलोंगेशन बता देगा। ठीक है, तो वापस से ए से ए कैंसिल आउट, इधर लैम्डा और थ्री कॉन्स्टेंट, लैम्डा थ्री और ये ई कॉन्स्टेंट है, इसको हम बार की बुलाएंगे, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। अब वापस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे जब हम, तो हमें क्या मिलेगा, एस स्क्वायर बाई टू, इसमें हम लिमिट पुट करेंगे एल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फॉर्मूला आएगा एल स्क्वायर बाई टू, ये टू थ्री से मल्टीप्लाई होगा सिक्स होगा, तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आएगा लैम्डा एल स्क्वायर बाई सिक्स ई। प्रिज्मेटिक का क्या आता है, लैम्डा एल स्क्वायर बाई टू ई। ठीक है, 1/3 का ही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो कॉनिकल में जब आपको सेल्फ वेट दिया हो, हमें इनोवेशन फाइंड करना हो, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारी चौथी एप्लीकेशन, इलोंगेशन में बार बोर्ड एप्लीकेशन, आपकी एक बार है इसके दोनों एंड फिक्स है, तब इस पर कितना इलोंगेशन आएगा वो हमें फाइंड करना है। इसके इंटरवल में एक लोड लग रहा है पी, और दोनों एंड फिक्स होने के कारण रिएक्शन भी आएगी आर ए और आर बी, इन दोनों बारों की लेंथ है एल बाई टू। ठीक है, तो आर ए प्लस आर बी हमें पता है टोटल लोड के इक्वल होगा। ठीक है, हमें फाइंड करना है टोटल इलोंगेशन, तो टोटल इलोंगेशन किसके इक्वल होगा, ये होगा बार फर्स्ट के इलोंगेशन के प्लस बार टू के इलोंगेशन, लेकिन टोटल इलोंगेशन वो हमें पता है कि जीरो आएगा, क्योंकि बार के दोनों एंड फिक्स है, तो ना तो ये अंदर की ओर इलोंगेट होगा ना बार के, तो टोटल इलोंगेशन तो आएगा जीरो। हमें फाइंड करना है डेल्टा एल वन डेल्टा एल टू, तो फॉर्मूला हमें पता है पी एल अपॉन ए,
R1 के लिए 1 1 और R2 के लिए 2 2 हम लगा देंगे। ठीक है, अब एक देखिए प्रिज्मेटिक बार है तो इसका एरिया सेम होगा, सेम मटेरियल है तो एक्स मान लो सभी लाख से भी सेम ही होगा, तो ये इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह दिखाई देगी। अब हमें फाइंड करना है P1 और P2। ये कैसे फाइंड करेंगे? ये करेंगे हम सेक्शन मेथड यूज करके। तो पहली बार पर मैं एक सेक्शन लूंगा और आगे की ओर देखूंगा, तो मुझे एक ही लोड दिख रहा है -RB, और माइनस कैसे ही है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए। और L1 की वैल्यू हमारे पास है L/2, तो ये आ गई। अब वापस सेक्शन लूंगा सेकेंड बार पर, फिर आगे देखूंगा तो मुझे दो दिख रहे हैं, एक तो -RB क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, और एक +P, और लेंथ इसकी भी L/2 है। तो ये कोशिश, इस L/2 को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब सब में L L L है तो L को कॉमन लेके उधर ट्रांसफर कर दूंगा, और -RB/2 -RB/2 हो जाएगा 1 RB, और P/2 का P/2। अब इस P/2 को उधर ट्रांसफर कर दूंगा, नेगेटिव साइन को काट दूं तो RB की वैल्यू आ जाएगी P/2। अब ये जो RB की वैल्यू आई है ये कर दूंगा इसमें पुट, और इधर से निकाल दूंगा RA की वैल्यू, वो भी आएगी P/2। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारी फाइनल एप्लीकेशन एलोंगेशन इन टेपर बार। तो टेपर बार कैसी दिखाई देती है? एक डायमीटर तो उसका छोटा होगा, एक डायमीटर बड़ा, तो छोटे वाले को मैं लिख सकता हूँ D1, बड़े वाले को D2। अब मैं इस D2 में से D1 घटा दूँ, ठीक है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो बचा है वो कहलाएगा D2 - D1/2। कैसे? ये वाला और ये वाला दोनों जोड़े तो D2 - D1 होता है, लेकिन ये ऊपर वाला आधा हिस्सा है और नीचे वाला आधा हिस्सा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी D2 - D1/2, वो नीचे वाले की D2 - D1/2। ठीक है, और इस पर एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं हम P, इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी L। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करके इसका फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे कि इसका टोटल इलोंगेशन हम किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो PL/AE में से हमारे पास है P की वैल्यू है, हमारे एक्सटर्नल लोड L की वैल्यू है, और E की वैल्यू होगी क्योंकि ये सेम मटेरियल है, लेकिन हमारे पास A की वैल्यू नहीं है। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और सॉल्व करूँ और A को लिखूँ मैं π/4 d2। ठीक है, अब क्या करूं, एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर करूं जिसकी लेंथ हो dx, और ये x x कह लो कि हमें फाइंड करना है। ठीक है, और ये वाली लेंथ हम लेंगे y पर। ठीक है, तो ये x x सेक्शन कह लो हो रहा है, तो फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये सारा फाइंड हम इस कह लो करें इस सेक्शन के। ठीक है, अब हमें पता करना होगा ये d डायमीटर जो कि हमें फाइंड करना है, ये पूरा हिस्सा ये वाला डायमीटर, ये इस डायमीटर में क्या क्या आ रहा है? एक तो ये आ रहा है d1, और ये ऊपर वाला वाई और एक नीचे वाला वाई, तो डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ, यानी कि ये इक्वल किसका होगा, यानी एक तो ये पूरा डायमीटर d1 के और ये 2 वाई वाई डायरेक्शन के। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना होगा, डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए हमें वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब हमें पहले वाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी डायमीटर को निकालने के लिए, तो वाई की वैल्यू पहले हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो वाई की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल है इसको अलग से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये सारी वैल्यू हमने वैसे वैसे पुट कर दी। अब वाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सिमिलर ट्राइंगल से, यानी y/x इक्वल कर दूँ इसके बड़े वाले ट्राइंगल से, तो ये कुछ इस तरीके से हमारी इक्वेशन दिखाई देगी। इधर हमें सिर्फ वाई की वैल्यू चाहिए तो एक्स की वैल्यू उधर पुट कर दूँ, तो ये इक्वेशन हमारी ऐसे हो जाएगी। तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई। अब हमारे डायमीटर की इक्वेशन क्या थी, d1 + 2y, इधर वाई की वैल्यू पुट कर दो आप। ठीक है, तो ये हमारी डायमीटर की वैल्यू आ गई। तो अभी तक हमने डायमीटर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वाई की वैल्यू निकाल ली और उसको डायमीटर वाली इक्वेशन में पुट करवा दिया। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन है ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 कैंसिल करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आता है ये। और आगे इक्वेशन को आसानी से सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, d2 - d1/l को k पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास डायमीटर की वैल्यू क्या आएगी, d1 + kx। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे फॉर्मूले पर। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है p इसके सेक्शन कह लो, इस सेक्शन कह लो l/a। तो p की वैल्यू है, l की वैल्यू हमारे पास है dx, एरिया अभी अभी 5/4 d2 हो रही, तो इसको ऐसे अरेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब हमने क्या क्या फाइंड किया, हमने एक डायमीटर फाइंड कर लिया, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं अगली इक्वेशन में। तो डी की वैल्यू आई थी हमारे पास d1 + kx, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये dx, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इस इतने से इक्वेशन को मैं अलग से लिखूँ d1 + kx, इसको मान लूँ मैं t। ठीक है, इक्वेशन को आगे और आसानी से सॉल्व करने के लिए,
ठीक है, और इसमें x की जगह मैं 0 पुट करूँ तो हमारे पास आएगा d1, और x की जगह मैं l1 पुट करूँ तो हमारे पास आएगा d1 प्लस kl। ये हमारी नई लिमिट आ रही है, अपर लिमिट में चली जाएगी d1 प्लस kl और लोअर लिमिट में चली जाएगी d1। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है dx की जगह, तो मैं क्या करूँगा दो साइड डिफ्रेंशिएशन कर दूँ, तो कॉन्स्टेंट का तो ये हो जाएगी 0। अब मैं किसी के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहा हूँ, वेरिएबल का कर रहा हूँ, तो ये डी एक्स में चेंज हो जाएगा और टी हो जाएगा डी टी। ठीक है, यहाँ से मैं डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लूँ डी टी वाई के, जो कि हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन में आप सारी वैल्यू पुट कर लूँ, जैसे कि ये 4 पी पाई और ई, ये कॉन्स्टेंट है तो ये तो चलाएंगे बाहर की ओर। अब हमारी नई लिमिट क्या आई थी डी वन प्लस के एल और डी वन, तो ये पुट कर दें और वापस डी एक्स की जगह डी टी वाई के, और इस पूरे की जगह हमने टी पुट किया तो ये टी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। तो अब देखिए के भी कॉन्स्टेंट है, ये भी बाहर चला जाएगा। ठीक है, और तो हमारे पास बचेगा डी टी बाई टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये टी स्क्वायर है, इसको मैं ऊपर ले रहा हूँ तो ये बन जाएगा टी की पावर माइनस टू। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस टू प्लस वन, तो आपके पास बचेगा क्या टी की पावर माइनस वन, और एक नीचे भी माइनस आएगा वो चला जाएगा, देखिए आप बाहर गए। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा इधर, क्या ऊपर क्या बचेगा टी की पावर माइनस वन बचेगा, और उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस बाई टी। ठीक है, अब क्या करूँगा ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें पुट करूँगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाएगा, यानी अपर लिमिट आ जाएगी टी की जगह डी वन प्लस के एल और लोअर लिमिट आ जाएगी डी वन माइनस डी वन। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और सेल करो कैसे कर सकते हैं, के की वैल्यू पुट कर देंगे, तो के की वैल्यू जैसे ही मैंने ऐसे पुट की तो एल से एल कैंसिल आउट, एक देखिए ये माइनस का डी वन है, ये पॉजिटिव का डी वन है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी ये। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं आगे और सोल्व करूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब यहाँ पर मैं के की वैल्यू पुट कर दूँ, तो यहाँ तक हमने सोल्व कर रखे रखा है, तो इसको थोड़ा सा आगे और सोल्व करूँ तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी डी वन माइनस डी टू अपॉन डी वन डी टू। ठीक है, अब आप देखिए इधर एक के है, इधर k की वैल्यू पुट करेंगे और इस माइनस को अंदर हम मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी इस वाले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये चेंज हो जाएगा d2 माइनस d1 हो जाएगा, और ये d2 माइनस d1, ये d2 माइनस d1 का आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये l चला जाएगा ऊपर, तो जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा, जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा ये 4 πl d1 d2 और e। इस फॉर्मूले का यूज करके हम कैपिटल बार में इसका एलोंगेशन फाइंड कर सकते हैं, तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला था ये। तो आज के लेक्चर को हम यहीं करते हैं एंड।